जीएसटी पोर्टल पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा, जैसे लेट फीस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैन्युअली करके आपको उसमें अमाउंट पुट करना होता था जीएसटी या 3B के रिटर्न में, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुटेक्स ट्यूबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपकमिंग फंक्शनैलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटी आर 3B, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इंटरेस्ट कब लगेगा, क्यों लगेगा और सिस्टम में कैसे दिखेगा, क्या आपके रिटर्न फाइलिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस उसमें चेंज होगा, सब बात करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटी आर 3B। इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर इन डूइंग सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कैलकुलेशन करने के लिए द न्यू फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इज बींग रिलीज इन जीएसटी आर 3B। दिस फंक्शनैलिटी विल असिस्ट इन कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब होगा, जब आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे आफ्टर ड्यू डेट के बाद। टैक्स पेयर विल हैव टू वेरीफाई एंड डिस्चार्ज द करेक्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी एज पर लॉ एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ स्टैचुटरी कंप्लायंस। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट का शॉर्ट पेमेंट करते थे तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता था। तो अब जब ये सिस्टम कंप्यूटेड हो गया तो नोटिस आने के भी चांसेस मीन्स ना के बराबर हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट कंपटीशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। द इंटरेस्ट कंपटीशन बाय द सिस्टम, ये देखिए सबसे बड़ा चेंज यह है कि इंटरेस्ट अब सिस्टम कंप्यूट करेगा, कंप्यूटेड बाय सिस्टम, पहले ये मैनुअली करना पड़ता था। हैज़ बिन अलाइंड विथ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एज अमेंडेड। कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर इन जीएसटीआर 3B फॉर दिस पीरियड विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाई डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दैट इज टैक्स पेड इन कैश विथ रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड एंड पेड इन लेटर जीएसटीआर 3B। द इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड फॉर इंटायर लाइबिलिटी वेदर पेड बाई डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। ऑटो कंपिटिशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट, दिस न्यू फंक्शनैलिटी विल कंप्यूट मिनिमम इंटरेस्ट अप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज डिक्लेयर्ड बाई टैक्स पेयर्स इन जीएसटी आर 3B फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। दिस सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5.1, वो भी देखेंगे टेबल 5.1 में कैसे दिखता है, ऑफ जीएसटी आर 3B फॉर द नेक्स्ट टैक्स पीरियड द वे इट इज डन फॉर द लेट फीस एट प्रेजेंट। ओके, द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड इन नेक्स्ट जीएसटी आर 3B रिटर्न विल बी केप्ट एडिटेबल इनिशियली। हाउ एवर द सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ ऑफ फिल्ड जीएसटी आर 3B विल कंटेन बोथ वैल्यूज द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट एंड द यूजर पेड इंटरेस्ट वैल्यूज। सीनेरियो वेयर इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कब लगेगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैन अराइज इन केस ऑफ आइदर फॉलोइंग और बोथ। डिलेड इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आपने रिटर्न जीएसटी 3B की ड्यू डेट के बाद भरी तो इंटरेस्ट लगेगा। डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इफ लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड, पिछले टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रेजेंट टैक्स पीरियड में, देन इंटरेस्ट विल बी लेवल फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द सेट प्रीवियस पीरियड टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द लाइबिलिटी इन रिटर्न। दस एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर अ न्यू फीचर हैज बीन प्रोवाइडेड टू जीएसटी 3B फॉर अलाउइंग टैक्स पेयर टू वॉलंटरी डिक्लेयर टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप। इसमें आपको वॉलंटरी टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप भी देना होगा इफ टैक्स पेयर इज डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी फॉर एनी पास्ट पीरियड, पास्ट पीरियड का अगर आप लाइबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंट जीएसटी 3B, देन द एग्जैक्ट टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप ऑफ द सेम कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर। द इंटरेस्ट विल बी देयर आफ्टर कंप्यूटेड बाय द सिस्टम अकॉर्डिंगली। फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप इन जीएसटी 3B, जो टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप देना होगा वो कैसे देना होगा। द रिटर्न इन द फॉर्म जीएसटी 3B इट इज नाउ एज इट इज नाउ, जैसे है वैसा ही, अलाउज टैक्स पेयर टू डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी
फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, जैसे आप टैक्स का पेमेंट करते थे वैसा ही सब कुछ है। इन एडिशन, इसके एडिशन में क्या, टू द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रेजेंट पीरियड, हाउ एवर द टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन जीएसटीआर 3B, दस फॉर कंप्यूटिंग एग्जैक्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जैक्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप देना होगा। फॉर कंसोलिडेटेड टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड बाई टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड बाई द सिस्टम। यूजर एक्सपीरियंस में कुछ चेंजेस आएगा क्या, टैक्स पेयर फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर आप जीएसटीआर 3B ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, आफ्टर द इंटरेस्ट कैलकुलेटर इज इनेबल्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, जब इनेबल हो जाएगा देर विल बी नो चेंज इन यूजर एक्सपीरियंस, कोई चेंज नहीं होगा। फॉर द टैक्स पेयर हु फाइल देयर रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट द टैक्स पेयर वुड स्टिल हैव फैसिलिटी टू प्रोवाइड ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप बिफोर ड्यू डेट भी फाइल करते हैं तो पास पीरियड का। फॉर डिटेल्स टैक्स पेयर फाइलिंग, जो अगर आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो उनको कैसा होगा वो भी। और टैक्स पेयर हु आर फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट, अ पॉपअप विल बी सोन, पॉपअप आ जाएगा जैसे आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, रिगार्डिंग द ऑप्शन टू डिक्लेयर टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप, उसमें पॉपअप नहीं आएगा लेकिन वो ऑप्शनल है, आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप आफ्टर ड्यू डेट के बाद जीएसटी 3B फाइल कर रहे हैं तो पॉपअप आ जाएगा। इफ अप्लीकेबल टू देम, इफ दे हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड डिक्लेयर, दे मे डिक्लेयर द सेम। इफ एंटायर लाइबिलिटी पर्टेन्स टू द प्रेजेंट पीरियड देन दे मे इग्नोर दिस पॉपअप मैसेज एंड कंटिन्यू दियर फाइलिंग एज कैजुअल। इफ नो प्रीवियस पीरियड टैक्स लाइबिलिटी इज डिक्लेयर बाई डिफॉल्ट, इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड बाई अज्यूमिंग दैट एंटायर टैक्स लाइबिलिटी पर्टेन्स टू प्रेजेंट पीरियड। अब देख लेते हैं कैसा सिस्टम शो करेगा एक एग्जाम्पल के थ्रू जो जीएसटी पोर्टल ने दिया है। टू बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग न्यू फैसिलिटी एंड इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इज बीइंग प्रोवाइडेड शोइंग सैम्पल डेटा फॉर अ टैक्स पेयर, हाउ डिटेल्स हैव टू बी इंटर्ड इन जीएसटीआर 3B एंड हाउ द इंटरेस्ट फॉर द सेम विल बी कंप्यूटेड एंड अपीयर इन द सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 3B। एग्जाम्पल, अ मंथली टैक्स पेयर इज फाइलिंग जीएसटीआर 3B फॉर द अक्टूबर 21 In the said GSTR 3B, the taxpayer has to declare following values in table 3.1 of GSTR 3B: outward supply, zero rated, exempted, invert, reverse charge में हो गया, non-GST outward supplies. However, these consolidated liability value consist of not only October 21, इसमें से अक्टूबर 21 का ही नहीं है, बट ऑल्सो प्रीवियस टैक्स पीरियड्स ऑफ जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर 21। हेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैक्स पेयर वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर फॉलोइंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप इन जीएसटीआर 3B फॉर द अक्टूबर 21। ये देखिए, आपको ऐसा ब्रेकअप प्रोवाइड करना होगा। द इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुड बी देयर आफ्टर डन एज पर अफोर्सेड वैल्यूज, इसमें जो आप डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, सिस्टम कैलकुलेट करेगा। हाउ एवर दिस गैप एग्जिस्ट इन द करेंट जीएसटीआर 3B इम्प्लीमेंटेशन टू कवर विथ विच न्यू फीचर्स हैज बीन एडेड। A new button called Tax Liability Breakup Voluntary will be provided in GSTR 3B for furnishing tax period wise breakup. जो ये breakup देख रहे हैं उसके लिए button add कर दिया जाएगा। This button appear in GSTR 3B on the payment pages below table 6.1 payment of tax. ये देखिए, Tax Liability Breakup Voluntary, ये देखिए, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा आ जाएगा डिक्लेरेशन, तो टिक करके आपको, इफ टैक्स पीरियड क्लिक ऑन दिस बटन दे विल बी प्रोवाइडेड विथ एन ऑप्शन ऑफ डिक्लेयरिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय देम इन दिस जीएसटीआर 3B। द वैल्यूज कुड बी डिक्लेयर हेड वाइज एंड टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल टैक्स पीरियड पुट टूगेदर शुड बी इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी पेड इन जीएसटीआर 3B। ये देखिए, ये आपको ऐसा ब्रेकअप प्रोवाइड करना होगा। जैसे आप ब्रेकअप प्रोवाइड करके वेरिफिकेशन कर देंगे, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा, सिस्टम इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करेगा उसका फॉर्मूला भी दिया है। सिस्टम कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस
GSTR 3B, the system will compute interest liability on the basis of values declared in GSTR 3B. This computation will done in accordance with the provision of Section 50 of the Act as amended. Interest will be computed for each tax period as per the following formula. Interest liability kitna aega? Equal to tax liability, aapki jo tax liability into multiplied by number of days since the due date till the actual date of filing return, jitna din delay hua due date se, divided by number of days in a year into rate of interest, applicable rate of interest. Depending on the number of tax period declared by taxpayer in the tax period wise breakup, the interest liability of each tax period will be calculated separately as per this formula. The interest values for different periods will then be added and total interest liability will be computed for each head by the system. Auto population of interest. The interest values computed above will be auto populated in table 5.1. Table 5.1 mein interest ka calculation auto hoga. Interest and late fees for the previous tax period of GSTR 3B of the next tax period. The breakup and manner of interest computation can be viewed by clicking system generated 3B button on this page. This one lines auto population hai, dekhiye aisa dikhega. Interest. This one lines of auto population of late fees for the previous tax period in the subsequent tax period, just like system computed late fees is auto populated in the next tax period. Jaise late fees aapka नेक्स्ट टैक्स पीरियड में सो होता था वैसे ही इंटरेस्ट भी नेक्स्ट टैक्स पीरियड. नाउ द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट विल बी पॉपुलेटेड इन द जीएसटीआर 3बी ऑफ द नेक्स्ट टैक्स पीरियड. सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज विल आल्सो बी डिस्प्लेड टू यूजर्स ऑन माउस होवरिंग. टू बिगिन विथ सिस्टम विल नॉट स्टॉप द यूजर फ्रॉम चेंजिंग द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यूज. मीन्स आप editable है, आप इसे edit कर सकते हैं. However, system will warn taxpayer on downward. अगर आप interest liability कम करेंगे तो आपको warning देगा. Editing of interest values in any tax head. On downward editing of values, the concerned cell will become red. Red हो जाएगा ऐसे. And system computed values also be shown during the mouse hovering to the caution of taxpayer for making mistakes. If the taxpayer attempts to file GSTR 3B, अगर आपने लाइबिलिटी कम करके सो कि इन इन द डाउनवर्ड एडिटेड वैल्यूज द इंटरेस्ट टाइल वुड बिकम रेड. ऑल्सो द सिस्टम विल प्रोवाइड वार्निंग रिगार्डिंग द सेम यूजर. हाउएवर डिस्पाइट दिस वार्निंग सिस्टम विल नॉट स्टॉप द टैक्स पेयर ऑफ फाइलिंग दियर GSTR 3B विद चेंज वैल्यूज. मीन्स अगर आप कम करके भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी कम करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो. मीन्स आपको सिस्टम स्टॉप नहीं करेगा. द सिस्टम विल नॉट स्टॉप टू टैक्स पेयर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ GSTR 3B विद चेंज वैल्यूज. वार्निंग आपको ऐसा आ जाएगा. आफ्टर फाइलिंग PDF of file GSTR 3B generated by system can be downloaded by the user. It is same in this PDF document. In addition, information presently shown PDF will consist of information pertaining system calculated interest in case of applicable. This information will include headwise details of computation of interest, all tax period on which interest is applicable, changes in user experience. Hey, dekhiye. So, ab new functionality aane wali hai. So, means ye jo interest ka calculation hoga wo to automatic hi hoga. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ. थैंक यू सो मच गाइस.